हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा आप लोगों को पता है, क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा एसएससी जेई और यूपीपीएससी ए के लिए भी यूज़फुल रहेगा, ठीक है, ताकि आप जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जो पहली बार आए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारी डेली 8:30 बजे क्लास होती है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। हमारा जो शेड्यूल रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। हमारे पास क्या है कि जो शेड्यूल है, अभी 8:30 बजे मॉर्निंग में आपकी रहती है थ्योरी। थ्योरी में हमारा पार्ट पूरा चल रहा है अभी क्रैश कोर्स के फॉर्म, ठीक है। इससे पहले आपका आईसी इंजन कंप्लीट हो गया है और आईसी के बाद आपकी कंप्लीट हो गई है आरएसी, तो दोनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, उसकी अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास जो 10:30 बजे का टाइम होता है मॉर्निंग का ही, 10:30 बजे हमारी होती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद क्या है, हमारे पास अब से जो हमने नई चीज़ स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है 12 बजे। डेली 12 बजे हमें क्या करना है, हम 30 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चन किसके, रीजनिंग के, क्योंकि हमारा जो टारगेट है रीजनिंग का भी 50 out of 50 है। मतलब जहाँ पे हम लोग मार्क्स अपने जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं, हम वहाँ पे तो चुकेंगे नहीं, ठीक है। तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और चीज़ें सब तक पहुँचाई जाएँ, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो ये हमारा क्या है, अभी का शेड्यूल है। और मैं बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी हमारी कोशिश है कि हम क्या करेंगे, ए के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। देखो थ्योरी तो यही रहने वाली है, थ्योरी में कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। तो क्रैश कोर्स के थ्रू आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स आपको हमारा ये जो पीडीएफ चैनल है, ठीक है, ये जो पीडीएफ चैनल, सॉरी, जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको एजू फॉर टेक, ये हमारा चैनल है। तो जो भी लेक्चर्स हैं और जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको एजू फॉर टेक के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग उसको एक बार डाउनलोड करके फिर यहाँ पे इसको बैठें। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको कान में लीड जरूर लगानी है, ठीक है। फ़ोन में देखते हो, लीड लगा के जरूर देखिए ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। और कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, क्वेश्चन से फॉर्म में आ सकता है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए क्या है, क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारा ये आईसी इंजन का फर्स्ट लेक्चर है। और आईसी भी मैं आपका 3 to 4, है ना, मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर लगेंगे और आपका पूरा आईसी इंजन पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। कोई क्वेश्चन मतलब ऐसा होगा जो बाहर नहीं छूटेगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन इससे पहले थर्मोडाइनमिक्स से किए, आरएसी की भी किए हैं, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब क्या है कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्रैश कोर्स की जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और सफिशिएंट क्या मैं बोलूंगा यहाँ पे, कि आप 90+ स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली 90+ स्कोर कर सकते हो। देखो 100 तो इतना टफ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी वाइड है, थ्योरी सब्जेक्ट्स भी काफ़ी हैं, तो थ्योरी में डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें बॉयलर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और वो बॉयलर से सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा दिखे थे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसमें थोड़ा सा 100 नंबर तो नहीं ला पाते, लेकिन हाँ, हम जिस हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हिसाब से हम अगर डेली चलते हैं तो हमारा जो स्कोर है वो 90+ ही आएगा, ठीक है। और 90+ और 50 का टारगेट तो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, बाकी जीएस के लिए भी कुछ प्लान करते हैं, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट अपना आज का लेक्चर। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है आईसी इंजन के बारे में। तो आईसी इंजन की बात करी जाए तो आईसी इंजन में होता क्या है, भी आपको पता है इसका जो फुल फॉर्म होती है इंटरनल कंबशन इंजन होती है। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे जो फ्यूल वगैरह होता है, जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, हम क्या करते हैं वहाँ पे एक चार्ज क्रिएट करते हैं। चार्ज क्या होता है, आपके पास वो जो फ्यूल का मिक्सचर होता है, तो हम लोग बेसिकली चार्ज बोल देते हैं। अगर मैं बात करूँ चार्ज की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका चार्ज होता है, या फिर आप पेट्रोल डालते हो या डीजल डालते हो, तो उसमें क्या होती है, उसको जब आप बर्न करते हो, ठीक है, जब उसको बर्निंग होती है, तो वहाँ से क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्रिएट होती है। फिर ये जो केमिकल एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, हीट एनर्जी में
कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये हीट बनती है तो क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलती है और आपके जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो ये आईसी इंजन का छोटा सा कह सकते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो अगर हम लोग देखें कि आईसी इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये क्या है भी, आईसी इंजन है और हमारे पास दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ईसी इंजन। जैसे क्या है, आपका पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट क्या है, एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल है। अब क्या डिफरेंस होता है आईसी इंजन में और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो फ्यूल की बात करी जाए, जो फ्यूल की बर्निंग होती है आईसी इंजन, देखो नाम में क्या है, इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या है, आंतरिक, तो सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूल का बर्निंग हो रही है। एक्सटर्नल कंबशन की बात की जाए तो क्या मतलब है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, मतलब सिलेंडर यहाँ पे क्या है, जो सिलेंडर है वहां पे फ्यूल की बर्निंग क्या होती है, बाहर होती है, सिलेंडर के बाहर होती है। ठीक है, सिलेंडर कहने का मतलब ये है कि जहां से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में वर्क मिल रहा है। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो गैस का जो वर्किंग प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, जो गैस का वर्किंग प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है किसके केस में, आईसी इंजन के केस में कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। और जबकि हम बात करें कि एसी इंजन की, तो एसी इंजन के कंपेयर में क्या होता है, जो आपका ये जो क्या होता है, वर्किंग प्रेशर और टेम्परेचर होता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखते हैं कि जो कंडेंसर, मतलब क्या होता है, यहाँ पे एसी इंजन में हमें कोई कंडेंसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एसी इंजन की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, कंडेंसर की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप पढ़ते हो पावर प्लांट, तो पावर प्लांट में आपका एक होता है कंडेंसर यूनिट, तो कंडेंसर यूनिट क्या होती है, आपको रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आईसी इंजन में कोई कंडेंसर की हमें यूनिट नहीं होती। और फोर्थ पॉइंट क्या है, जो पावर आउटपुट होती है आईसी इंजन में क्या होती है, ज़्यादा नहीं मिल पाती हमको, तो पावर आउटपुट क्या होती है, यहाँ पे लेस होती है। और एक्सटर्नल कंबशन के केस में जो पावर आउटपुट होती है वो कैसी होती है, वो मोर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक से डिफरेंस है, आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो क्वेश्चन में हमारे पास इन लॉ से काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो जैसे हमारे पास होता है चार्ल्स लॉ, तो कैसे याद रखोगे, देखो चार्ल्स पास्कल, ये नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है, तो चार्ल्स पास्कल नाम सुना होगा कंप्यूटर से, तो मैंने ऐसे याद किया कि चार्ल्स पास्कल मतलब सी फॉर चार्ल्स और पी फॉर पास्कल, और सी फॉर चार्ल्स पी फॉर प्रेशर, और प्रेशर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कैसा रहता है, यहाँ पे समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। और अगर आइडियल गैस इक्वेशन है, तो आइडियल गैस के लिए हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई करते थे, तो यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और आपके पास जो गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट गैस है वो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, टेम्परेचर के, तो मतलब क्या है, वी वन अपॉन वी टू इक्वल हो जाएगा टी वन अपॉन टी टू के, क्वेश्चन किए। उसके बाद जो सेकंड आता है हमारे पास, आता है बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ को मैंने ऐसे याद किया है बॉइलिंग पॉइंट से, कैसे याद किया है, जो बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक तरीके से टेम्परेचर ही तो है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, एक तरीके से टेम्परेचर को दिखाता है। तो बॉयल्स लॉ में क्या हो जाएगा, आपके पास जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, आपका कॉन्स्टेंट रहता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पी वी इक्वल टू एम आर टी आप जब यूज करते हो, तो मास कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो ये जो PV है वो कांस्टेंट हो गया है, और मतलब क्या है, प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, तो ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, आता है भी गेम सेक्स लॉ, तो आपके पास क्या है, अब क्या बच्चा हमारे पास भी, प्रेशर हो चुका, टेम्परेचर हो चुका, हमारे पास यही तो होता है, एक प्रेशर होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक टेम्परेचर होता है। तो प्रेशर हमने चार्ल्स पास्कल से याद किया, टेम्परेचर हमने बॉयल्स लॉ से याद किया, ठीक है, तो वॉल्यूम बच गया मेरा, तो वॉल्यूम किस में हो जाएगा, जो मेरा लास्ट लॉ बचता है, ठीक है, वो है गे-लुसेक लॉ। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को आप लोग किस नाम से जानते हो, आप लोग जानते हो आइसोफोरिक के नाम से। तो PV इक्वल टू MRT जब हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, ये टी वन अपॉन पी टू इक्वल टू क्या हो जाता है, टी वन अपॉन पी टू, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हमारे पास क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स आईसी इंजन की कौन कौन से पार्ट्स हैं। वैसे तो हमारे डिटेल में ज्यादा क्वेश्चन पार्ट्स से आता नहीं है, लेकिन जितना आता है हम लोग उतना कवर कर लेते हैं, ठीक है, बाकी जो डिटेल में होता है, तो मतलब जहाँ पे ऑटोमोबाइल से हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है कि जो लोएस्ट रिंग होती है किससे बनी होती है, क्यों बनी होती है, मिडिल रिंग है क्यों होती है, कितनी रिंग होती है,
ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जितने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम टू द पॉइंट वही पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है भी, आपके पास एक आईसी इंजन है, क्या है आपके पास, ये एक आईसी इंजन है। तो इस आईसी इंजन का ये क्या है भी, आपके पास ये सिलेंडर है, क्या है आपके पास, एक सिलेंडर, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये पिस्टन है, ये आपको पिस्टन दिखाई दे रहा है। और पिस्टन से हमने क्या कर रखा है कि ये रॉड है, इस रॉड को आप लोग क्या बोलते हो, कनेक्टिंग रॉड, जो क्या करती है, इस पिस्टन को क्या कर रही है, कनेक्ट करने का काम कर रही है किसके साथ, इस इंजन शाफ्ट के साथ। और ये क्या है आपके पास, क्रैंक रॉक होती है। जब आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो छोटी वाली रॉड होती है वो क्या होती है, क्रैंक होती है, जो क्या करती है, कंप्लीट रोटेशन करती है। तो कंप्लीट रोटेशन कौन करती है, क्रैंक रॉड करती है, ठीक है। चलो यहाँ तक बात ठीक है। फिर आप ये जानते हो कि आईसी इंजन में क्या होता है, दो वाल्व लगे होते हैं, एक होता है इनलेट वाल्व और एक होता है आउटलेट वाल्व। आप इनलेट वाल्व को क्या बोलते हो, सक्शन वाल्व के नाम से भी जानते हो, और जो आउटलेट वाल्व होता है आप इसको किसके नाम से जानते हो, आप इसको एग्जॉस्ट वाल्व के नाम से भी जानते हो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास, ये क्या है कि पिस्टन है, ये क्या है आपके पास, पिस्टन है, ठीक है, जो क्या करने वाला है भी, इस तरीके से अप एंड डाउन मोशन करेगा। और ये हमारे पास क्या है, स्पेस अवेलेबल है, क्या है हमारे पास, ये स्पेस है जिसमें क्या है हमारे पास, जो गैसेज है या जो फ्यूल आता है वो इसमें फिल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपने क्या कर रखा है, इस पिस्टन को इस कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ पिन। इस पिन को आप लोग क्या बोलते हो, पिस्टन पिन या फिर गर्जन पिन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, पिस्टन पिन या गर्जन पिन भी बोलते, ठीक है। और क्या है कि हमने क्या कर रखा है भी, इस सिलेंडर को कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, हमने क्या कर रखा है, इसको ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे साइड में वाटर जैकेट लगा रखी है। तो आप देखते हो कि जो रेडिएटर वगैरह होता है, ठीक है, कार में जो लगा होता है वो क्या करता है, इंजन को ठंडा करने का ही काम करता है। कभी कभी क्या होता है ना, गाड़ी बंद हो जाती है तो क्या करते हैं हम, पानी डालते हैं उसमें। तो पानी किस में डाल रहे हो आप, डाल दो रेडिएटर में डाल दो, तो वो क्या है, एक तरीके से कूलिंग है। तो कूलिंग आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसको हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे कौन कौन से टाइप से हम कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से जो आईसी इंजन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन। फिर क्या होता है, इस तरीके से आपका क्या होता है, ये जो पिस्टन है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, ठीक है, आपको पिस्टन क्या होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से कटिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से ग्रूव्स बने हुए होते हैं, मतलब ये ग्रूव्स बने हुए हैं इस तरीके से, ताकि आपके पास क्या होती है, ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स लगी होती हैं, मिडिल रिंग होती है, लोएस्ट रिंग होती है, और ये क्या है हमारे पास, पिस्टन का हेड है, ठीक है, इस तरीके से अटैच होता है आपके पास। और फिर इस तरीके से आपके पास क्या होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है, ये क्रैंक रॉड होती है, और ये क्या होती है आपके पास, अगर आप इसके बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर देखोगे तो वो क्या होगी आपके पास, यहाँ पे इंजन शाफ्ट, और शाफ्ट क्या करेगी, आपको पावर देती है फैन, ठीक है। तो ये है, अब क्या काम होता है लोएस्ट रिंग का और मिडिल रिंग का, तो ये कुछ नहीं है, ऑयल, जो ऑयल होता है, ठीक है, जो लुब्रिकेंट होता है, और जो आपके पास ये जो फ्यूल मिक्सचर है ऊपर ऊपर की साइड, ठीक है, वो उसको रोकने का काम कर रही है। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे जो नीचे की तरफ, ठीक है, तरफ से अगर आप लुब्रिकेशन दे रहे हो तो वो ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, तो एक तरीके से प्रिवेंट करने का काम करती है क्या, ये जो रिंग्स वगैरह होती हैं। अब क्या होती हैं वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग अगर और थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मटेरियल से, कि हम कौन से पार्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि पिस्टन और सिलेंडर की, अगर हम बात करते हैं पिस्टन और सिलेंडर की, तो पिस्टन और सिलेंडर के लिए हम पहले यूज करते थे, शुरू में हमने कास्ट आयरन के बनाने स्टार्ट किए थे। हमने किसके स्टार्ट किए थे बनाने, हमने कास्ट आयरन के बनाने स्टार्ट किए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और हमने कास्ट आयरन को रिप्लेस कर दिया कास्ट स्टील से, रिप्लेस कर दिया आपने कास्ट स्टील से। और जो आप प्रेजेंट टाइम में बन रहे हैं, आप लोग जानते हो कि एल्यूमिनियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके से वो हीट रिजेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, तो और लाइट वेट भी होता है। तो हमने क्या कर दिया, आज के टाइम में एल्यूमिनियम अलॉय के हमने क्या बनाने शुरू कर दिए, अपने पिस्टन और सिलेंडर को हमने एल्यूमिनियम अलॉय के बनाने स्टार्ट कर। उसके बाद क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, जो पिस्टन पिन होती है जिसको आप गर्जन पिन भी बोलते हो, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है फोर्ज स्टील की। किसकी बनी होती है, फोर्ज स्टील की। उसके बाद आपके पास क्या आती है, कनेक्टिंग और क्रैंक रॉड, कनेक्टिंग एंड क्रैंक रॉड, और ये भी किसकी बनी होती है, ये भी फोर्ज स्टील की बनी होती है। उसके बाद आपके पास आता है इंजन शाफ्ट, तो इंजन शाफ्ट किससे बना होता है, इंजन शाफ्ट बनी होती है हाई स्पीड स्टील से, और जो पिस्टन की रिंग्स होती है वो होती है सिलिकॉन कास्ट आयरन की मटेरियल की बनी होती है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कौन सा मटेरियल का ये चीज़ें बनी होती है, क्योंकि नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन और जेई लेवल में तो क्या आती है, थ्योरी ज़्यादा आती है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या हो जाती है, चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हैं, एई में ये क्वेश्चन नॉर्मली आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा, कभी कभी
यही में ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखो अब हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे आईसी इंजन की पूरी थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में। देखो हम वो नहीं पढ़ने वाले कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या उनका काम होता है, वो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है मेनली हमारा क्या है कि वहाँ पे उसकी पूरी आईसी इंजन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं जो रन करती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है या कंबशन इंजन है, तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं, वहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, हम लोग वो स्टडी करने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो आपको ये तो पता है कि जो आपके पास ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, सिलेंडर दिख रहा है। तो ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, इस सिलेंडर में क्या है, एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है। ये क्या है हमारे पास, जो इसके अंदर पिस्टन जाएगा, जो इसके अंदर इस तरीके से जो पिस्टन होगा, ठीक है, उसकी क्या है, ये लिमिटेशन है। क्या है उसकी, इस पिस्टन की लिमिटेशन है कि ये पिस्टन कहाँ तक मूव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर वो नहीं जा पाएगा। और मतलब इतने ही एरिया में क्या करता रहेगा, अप एंड डाउन मोशन करता रहेगा, इतने ही मोशन में क्या करता रहेगा, अप एंड डाउन मोशन करता रहेगा। तो ये जो अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्वैपिंग बोलते हैं पिस्टन, ठीक है, या फिर बोलते हैं आप स्ट्रोक बोलते हो। तो इसको आप लोग जो वॉल्यूम कवर होता है उसको आप लोग बोल देते हो स्ट्रोक वॉल्यूम, कभी कभी आपने सुना होगा उसको स्वेप्ट वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपको टॉप पोजीशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये लिमिटेशन है कि ये पिस्टन इससे आगे नहीं जा सकता, इसको आप लोग बोलते हो टॉप डेड सेंटर। क्या बोलते हो, टॉप डेड सेंटर, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा और वापस फिर नहीं आ जाएगा। तो ये हाइएस्ट पोजिशन है पिस्टन की। आप देख रहे हो कि ऊपर हमने कुछ स्पेस प्रोवाइड कर रखा है, हमने क्या कर रखा है, कुछ स्पेस प्रोवाइड कर रखा है, और इस स्पेस को आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो क्लियरेंस। क्या बोलते हो, क्लियरेंस। तो जो वॉल्यूम कवर्ड होगा इस क्लियरेंस की वजह से, उसको क्या बोलोगे आप, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलोगे, क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसको आप किससे शो करते हो, बीसी से शो करते हो, ध्यान रहेगा। तो जो हमारे पास पिस्टन अब भी ऊपर की लिमिटेशन है, उसी तरीके से नीचे की भी लिमिटेशन है। नीचे की लिमिटेशन क्या होती है, जो लोएस्ट पोजीशन रहेगी पिस्टन की, इसके नीचे वो पिस्टन नहीं मूव कर सकता, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, और आप लोग बीडीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये पिस्टन होता है। अब हम लोग क्यों स्पेस देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिस्टन के हेड, तो पिस्टन का अगर हमने यहाँ पे इसको क्लियरेंस नहीं दिया तो पिस्टन का हेड किससे टकराएगा, इस वॉल से टकराएगा सिलेंडर की, और जब सिलेंडर की वॉल से बार बार हिट करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसको ब्रेक कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्लियरेंस देते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या ये चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये हमारे पास पीडीसी पोजिशन है, ये हमारे पास क्या है, बीडीसी पोजिशन है। तो अगर टीडीसी से बीडीसी जाए या बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाए, तो ये क्या है हमारे पास, उस पिस्टन की स्ट्रोक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये मूवमेंट होता है पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी की तरफ या बीडीसी से टीडीसी की तरफ, उसको आप लोग क्या बोलते हो, स्ट्रोक ऑफ पिस्टन बोलते हो। क्या बोलते हो, स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। तो जो लेंथ कवर्ड हो रही है इस स्ट्रोक की वजह से, उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो स्ट्रोक लेंथ। मतलब क्या है, जो इस टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, उस ड्यूरेशन पे जो लेंथ कवर की जा रही है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, स्ट्रोक लेंथ बोलते हो। और जो वॉल्यूम कवर हो रहा है, इतना जो वॉल्यूम आपका ये जो कवर हो रहा है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको आप लोग शो करते हो किससे, बीएस से। तो अब हमारे पास क्या है, दो वॉल्यूम है, एक है हमारे पास बीसी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हो, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, बीएस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको आप लोग बोलते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हो आप, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दो वॉल्यूम है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारे पास बीसी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, बीएस हमारे पास क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो अगर मैं पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम लूँ, अगर मैं ये पूरा मेरे पास क्या है, ये इतना मेरे पास सिलेंडर है, और ये मेरे पास क्या है, बॉटम डेड सेंटर है, और ये मेरे पास क्या है, टीडीसी पोजीशन है। तो ये जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है आपके पास, इस टोटल वॉल्यूम को आप लोग क्या बोलते हो, टोटल वॉल्यूम बीडी से शो करते हो, और ये क्या होता है, बीसी प्लस बीएस होता है। क्या होता है, बीसी प्लस बीएस होता है। और जो एल था, हमने देखा था एल क्या होती है, आपकी स्ट्रोक लेंथ होती है, और जो सिलेंडर का जो डायमीटर होता है, ठीक है, ये जो सिलेंडर का डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, बोर डायमीटर बोलते हो। क्या बोलते हो, बोर डायमीटर, ठीक है, ध्यान रहेगा।
तो थोड़ी सी यहाँ पे कुछ टर्म्स वगैरह हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं पहले इन टर्म्स के बारे में। जैसे हमारे पास क्या है, क्लियरेंस की बात होती है। तो क्लियरेंस मैंने आपको बता दिया है कि सिलेंडर हेड और टीडीसी के बीच का जो स्पेस है उसको आप लोग क्या बोलते हो, क्लियरेंस बोलते हो। और जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ या बीडीसी से टीडीसी की तरफ क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, स्ट्रोक बोलते हो। और एक स्ट्रोक में पिस्टन क्या करता है, जो लेंथ कवर करता है, एक स्ट्रोक में जो पिस्टन लेंथ कवर करता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, स्ट्रोक लेंथ बोलते हो। ठीक है, या तो बीडीसी से टीडीसी चला जाए या टीडीसी से बीडीसी चला जाए, तो ये जो लेंथ कवर करेगा एक स्ट्रोक में इसको आप लोग क्या बोलते हो, स्ट्रोक लेंथ बोलते हो। तो जो एक स्ट्रोक है, ठीक है, वन स्ट्रोक में कवर किया गया जो वॉल्यूम है उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको आप लोग शो करते हो किससे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आता है कि बेहद ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे कि क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो क्या होता है। तो क्लियरेंस रेशियो की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो पिस्टन सिलेंडर था, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर जो था हमारे पास वो ये था। तो यहाँ पे क्या था, टीडीसी थी, ये हमारे पास टीडीसी पोजीशन थी और ये हमारे पास बीडीसी पोजीशन। ठीक है, तो ये जो ऊपर आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा था ये क्लियरेंस वॉल्यूम था और ये आपको दिखाई देता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब अगर आपसे पूछता है कि आपको बताना है क्लियरेंस रेशियो क्या होगा, क्लियरेंस रेशियो क्या होगा, तो ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम वाला और ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम वाला, अगर आप इन दोनों को क्या करते हो, इनका रेशियो ले लो, अगर आप इनका रेशियो ले लेते हो तो वो आपको मिल जाता है सी। तो ये हम लोगों ने आरएसी में भी देखा था कि आरएसी में क्या होता है, जो क्लियरेंस रेशियो होता है वो क्या होता है, आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम का रेशियो होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है वॉल्यूम रेशियो। क्या आती है, वॉल्यूम रेशियो। तो वॉल्यूम रेशियो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास जो लार्ज वॉल्यूम रहेगा, जो भी आपके पास लार्ज वॉल्यूम है, अगर आप क्या कर दो उसको स्मॉल वाले वॉल्यूम से क्या कर दो, ये स्मॉल लिखा है, ठीक है, स्मॉल है ना कि इसको, स्मॉल वाले से आप क्या कर दो, लार्ज वाले को स्मॉल से डिवाइड कर दो, तो ये जो आपको रेशियो ऑब्टेंड होगा इस रेशियो को आप लोग क्या बोलोगे, वॉल्यूम रेशियो बोलोगे। क्या बोलोगे, वॉल्यूम रेशियो बोलोगे। तो अगर एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम रेशियो आएगा उसको आप लोग क्या बोल दोगे, एक्सपेंशन रेशियो बोल दोगे। बस क्या हुआ, नाम ही चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम ही है। वॉल्यूम रेशियो का एक और नाम क्या है, अगर एक्सपेंशन प्रोसेस में वॉल्यूम रेशियो आप फाइंड आउट करते हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो एक्सपेंशन रेशियो। क्या बोलते हो, एक्सपेंशन रेशियो। और ये क्या होता है, हर डिफरेंट डिफरेंट साइकिल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब ऑटो साइकिल है उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंशन जो रेशियो है वो कुछ अलग होगा। ठीक है, डीजल साइकिल है उसके लिए कुछ अलग होगा। तो ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है, आपके पास अलग अलग साइकिल के लिए कर जाता है, वेरी कर जाता है। उसके बाद क्या है, अगर मेरा एक्सपेंशन प्रोसेस ना होके अगर कंप्रेशन प्रोसेस होता है, क्या होता है, अगर एक्सपेंशन प्रोसेस ना होके कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम का रेशियो होता है, उस टाइम पे जो वॉल्यूम का रेशियो होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, कंप्रेशन रेशियो बोलते हो। उसी को आप लोग क्या बोलते हो, कंप्रेशन रेशियो बोलते हो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या है, भी आप लिखते क्या हो, हमेशा जो वॉल्यूम रेशियो होता है आप हमेशा लिखते हो जो लार्ज वॉल्यूम है उसको आप डिवाइड करते हो स्मॉल वॉल्यूम से, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम रेशियो। तो अगर कंप्रेशन प्रोसेस में हो रहा है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, कंप्रेशन रेशियो। और ये क्या होता है, सभी साइकिल के लिए, ठीक है, जो इतनी भी साइकिल है सबके लिए क्या रहने वाला है, ये सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या चीज सेम रहेगी, आपके पास ये जो कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, ध्यान रहेगा, आगे बढ़ा जाए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, भी हमारे पास जो कंप्रेशन की बात करी जाए, तो कंप्रेशन की बात करी जाए तो पिस्टन क्या था, भी ये बीडीसी है और ये हमारे पास क्या है, टीडीसी पे। तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको आप लोग बोलते हो कंप्रेशन। क्या बोलते हो उसको, कंप्रेशन। तो आप देख सकते हो कि अभी कितना वॉल्यूम है, भाई ये हमारे पास जो वॉल्यूम है ये कितना वॉल्यूम है, ये आपके पास है वी टू वाला वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा वॉल्यूम है, ये हमारे पास है वी एस वाला वॉल्यूम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ सिलेंडर का वी वन वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे सर वी वन जो वॉल्यूम है
वो क्या है हमारे पास, ये पूरा जो कंप्लीट वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो आपको पूरा वॉल्यूम सर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है V1 वॉल्यूम है। तो V1 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम है प्लस जो भी क्लियरेंस वॉल्यूम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि V2 का वॉल्यूम कितना है, तो आप कहोगे सर ये जो ऊपर वाला एरिया आपको येलो वाला दिखाई दे रहा है सर, ये हमारे पास क्या है V2, और इस V2 की वैल्यू किसके इक्वल है, इस V2 की वैल्यू इक्वल है VC के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ये, तो कंप्रेशन के दौरान क्या होता है, आपके पास जो भी पिस्टन होता है वो PDC से TDC की तरफ क्या करता है, मूव करता है, PDC से TDC की तरफ मूव करता है। और ये क्या होता है हर साइकिल के लिए क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो सभी IC इंजन के लिए क्या होता है, ये सेम होता है। तो अगर हम निकालें कि कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, R से आप इसको नोट करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो लार्ज वॉल्यूम है उसको आप छोटे वाले से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे जो लार्ज वॉल्यूम है वो क्या है आपके पास, ये बड़ा वाला V1 वाला है, ये जो पूरा ग्रीन वाला दिख रहा था, तो ऊपर लिख दिया हमने V1। और जो छोटा वाला वॉल्यूम है ये हमारे पास क्या है, स्मॉल वॉल्यूम है, तो जो येल्लो वाला वॉल्यूम है वो स्मॉल वॉल्यूम है, और ये क्या है V2, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, तो आप क्या करो V1 की वैल्यू पुट कर दो, VS प्लस VC पुट कर दी, और नीचे V2 की वैल्यू पुट कर दी VC। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपको पास क्या मिलेगा, आपके पास एक रिलेशन मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। और आप जानते हो कि अगर मैं बात करूं किसकी क्लियरेंस रेशियो की, किसकी बात करूं क्लियरेंस रेशियो की, तो क्लियरेंस रेशियो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वो क्या होता है हमारे पास रेशियो होता है, ठीक है। तो किस किस का रेशियो होता है, जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है अगर मैं उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे एक टर्म दिखाई दे रही है VS अपॉन VC। अगर आप इसको VC VS को नीचे ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, C बन जाएगा, यही तो C होता है, ठीक है। तो आपके पास एक रिलेशन और मिल गया क्या, कि अगर आपको कंप्रेशन रेशियो दिया है और आपसे पूछता है क्लियरेंस रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना जो आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या कि R इक्वल्स टू क्या होता है 1/C + 1, R इक्वल्स टू क्या होता है 1/C + 1। अब इसको कैसे याद करोगे, तो देखो आपने IC इंजन पढ़ी, तो सॉरी RAC है ना, आपने RAC पढ़ी, तो वहां पे आया था हीट रिजेक्शन रेशियो, क्या आया था हीट रिजेक्शन रेशियो, तो आपने लिखा था इसको 1/COP+, यही तो लिखा था। अब देखो कितना आसान हो गया, अगर आपको यही फॉर्मूला याद है तो आप देखो इसको लिंक कर सकते हो भी R COP का C और यहाँ पे भी C और 1 का 1 दिख रहा है ना, तो सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। तो आप इस तरीके से चीजों को लिंक करके भी क्या कर सकते हो, चीजों को याद कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब सपोज करो कभी आपको R दे दे और आपसे पूछे कि C कितना होगा, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो ना यहाँ से आप इस रिलेशन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं कि IC इंजन के लिए हमारे पास जो आइडियल साइकिल होती है वो कौन सी साइकिल होती है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब हीट का एडिशन होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, जब क्या होता है हीट का वॉल्यूम होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, तब उस साइकिल का कह सकते हैं हमारे पास, तो उस साइकिल को आप लोग क्या बोलते हो, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हो। क्या बोलते हो आप उसको, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हो, या आप उसको बोलते हो ऑटो साइकिल भी बोलते, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो ऑटो साइकिल होती है, ऑटो साइकिल में क्या होता है, जो हीट एडिशन होता है वो कब होता है, वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है। अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है तो आप उसको क्या बोलोगे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल या ऑटो साइकिल, पहली साइकिल होगी आइडियल साइकिल। दूसरी जो साइकिल है हमारे पास, कि अगर हीट का एडिशन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ना होके कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो जाए, तो उस साइकिल को आप लोग क्या बोलते हो, उस साइकिल को बोलते हो कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल। और दूसरा जो नाम होता है उसको आप लोग जानते हो डीजल साइकिल से, किसके नाम से जानते हो, डीजल साइकिल के नाम से। अब अगर हमारे पास क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन आ जाए, कॉम्बिनेशन क्या आ जाए कि पहले मैं जो हीट का एडिशन करूँ, भाई मैं पहले क्या करूँ, जो हीट का एडिशन करूँ पहले तो मैं करूँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, और फिर जो हीट का एडिशन करूँ मैं करूँ कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। तो अगर मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ साइमल्टेनियसली एक ही साइकिल में, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको आप लोग बोलोगे डुअल कंबशन साइकिल। क्या बोलोगे उसको आप, डुअल कंबशन साइकिल, या आप लोग सेमी डीजल साइकिल के नाम से भी इसको जानते हो, ठीक है, क्लियर हुई। तो ये हमारे पास क्या है, तीन आइडियल साइकिल है किसकी, आईसी इंजन की। एक हमारे पास क्या है ऑटो साइकिल, दूसरी हमारे पास क्या है डीजल साइकिल, और तीसरी हमारे पास क्या है डुअल कंबशन साइकिल। आगे बढ़े, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑटो साइकिल आता है। तो मैं यहाँ पे देखो, हमारे जो ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, प्रीलिम्स की बात हो रही है,
ठीक है। तो एसएससी जेई का जो प्रीलिम्स है उसमें आपका कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ये आप भी जानते हो, तो मैं क्यों डेरिवेशन करके अननेसेसरी आपका टाइम खराब करूँ। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमको वो ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछता है, और एग्जाम में क्या पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, और जो उनकी साइकिल होती है वो पूछता है, ठीक है, और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो पूछता है। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, और जब आपका क्या होगा मेंस का एग्जाम होगा तब हम कन्वेंशनली भी देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम ऑटो साइकिल को पहली बार में स्टडी करते हैं तो ऑटो साइकिल में क्या होता है, टोटल चार प्रोसेस से मिलकर बना है। एक हमारे पास प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस है वो होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और हमारे पास फिर जो प्रोसेस होता है वो होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल चार प्रोसेस है। तो आप देख रहे हो कि एक साइकिल जो आपको ऑब्टेंड हो रही है पूरी, उसमें कितने टोटल प्रोसेस लग रहे हैं, उसमें चार प्रोसेस लग रहे हैं, मतलब चार प्रोसेस से मिलके आपकी क्या बन रही है कि एक साइकिल कंप्लीट होती है, क्या हो रही है, एक साइकिल क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन से भी यहाँ पे जो मेनली है कि जो हीट एडिशन होता है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है, हीट रिजेक्शन जो होता है वो किस पे होता है, वो भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है। उसके बाद जो कंप्रेशन होता है आपके पास, जो कंप्रेशन होता है वो कैसे होता है, जब आपके पास क्या होती है एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होती है, और जब आपके पास क्या होता है एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन भी क्या होता है, जब आपके पास क्या होती है एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होती है। तो ये चार प्रोसेस हैं ऑटो के आपसे डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट बोलेगा कि भैया बताओ इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप पीवी प्लॉट और टीएस प्लॉट बहुत इजीली बना सकते हो, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको समझाया था, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारा लेक्चर देखिए, सेकंड लास्ट लेक्चर देखिए, वहाँ पे मैंने क्या समझा रखा है, वहाँ पे मैंने पीवी से टीएस को किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि वन से टू क्या हुआ आपके पास, कंप्रेशन प्रोसेस हुआ, तो कंप्रेशन में क्या हुआ आपका जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है आपके आईसी में, ठीक है, आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, तो ये सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी वन से टू तो इतना क्या है आपके पास, इतना तो भी क्लियरेंस वॉल्यूम है, इतना क्या है आपके पास, एक क्लियरेंस वॉल्यूम है। और आपके पास जो चार्ज फील्ड है वो चार्ज फील्ड सिर्फ कहाँ से कहाँ तक का है, इस वी टू से वी वन तक के लिए चार्ज फिलिंग, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिलिंग है। तो वन से जब आप क्या कर रहे हो टू तक जा रहे हो, क्योंकि ये वन क्या शो कर रहा है आपको, बॉटम डेड सेंटर शो कर रहा है, और टू क्या शो कर रहा है आपको, टॉप डेड सेंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेशन कर रहा हूँ, तो कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वी वन से वी टू हो गया। और साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि जो पहले प्रेशर आपके पास क्या था, ये जो पी वन था, अब प्रेशर कितना हो गया है, बढ़ गया, और प्रेशर हो गया पी टू, तो मतलब प्रेशर हमारा इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन वाला, उसमें क्या है आपकी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट होती है, तभी मैंने यहाँ पे पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा है। फिर टू से थ्री जब जाओगे तो टू से थ्री जाने पे क्या होगा, आपने कंप्रेस कर दिया, अब आपके पास जो पिस्टन है वो यहाँ पर आ गया, सिलेंडर है वो टॉप डेड सेंटर पे आ चुका है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको हीट सप्लाई करोगे, तो जैसे ही आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसका प्रेशर फर्दर इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर कितना हो गया, अभी पी थ्री हो गया, मैक्सिमम प्रेशर हो गया। तो हीट सप्लाई की हमने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, उस टाइम हमने क्या अज्यूम किया है कि जो आपका ये जो पिस्टन है वो मूव नहीं कर रहा है, वो क्या है यहाँ पे रुका हुआ है, और आपने क्या कर दी, यहाँ से हीट सप्लाई कर दी। अब क्या होगा, जब आपने हीट सप्लाई कर दी तो जो फ्यूल था इसके अंदर वो बर्न होगा, और जब वो जलेगा तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सप्लोजन होता है ना, जैसे गैस का सिलेंडर पे कभी आग लगती है तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या आता है, ऐसा एक्सप्लोजन करता है, तो एक एक्सपेंशन होता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, इतनी तेज एनर्जी क्या करेगा उस पिस्टन को प्रोवाइड करेगा, जो पिस्टन क्या करेगा फर्दर ट्रांसफर करेगा आपकी इंजन शाफ्ट में। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने क्या किया, हीट सप्लाई करी टू से थ्री प्रोसेस पे फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको ये चीज देखने को मिलेगी, यहाँ से आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि क्या हुआ, एकदम से सडनली क्या हुआ, अभी एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होने की वजह से क्या हुआ, पिस्टन आपका थ्री से फोर पे आ गया, मतलब पिस्टन कहाँ पे आ गया आपके पास, पिस्टन वापस कहाँ पे पहुंच गया, वापस आपका इस बीडीसी पे आ गया। तो पिस्टन किस पे आ गया, अभी बीडीसी पे वापस लौट गया, तो क्यों हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन की वजह से आपके पास क्या हुआ, फिर से वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज कर गया, और
अब क्या करोगे आपके पास, जब ये वॉल्यूम हो गया है तो आपको पता है कि अब क्या हो गया, इसके अंदर बर्न गैसेस बची हैं, सिर्फ और सिर्फ धुआं धुआं रह गया है। तो धुआं जो बना हुआ है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, उसका जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होने की वजह से आपका जो आउटलेट पोर्ट होता है वो खुल जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाती है नेचुरली। तो क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, हीट रिजेक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो, हीट रिजेक्शन बोलते हो। और हम लोग ये मानते हैं कि उस टाइम पे जो हमारा सिलेंडर था वो रुका हुआ था बीडीसी पे, तो इसलिए क्या होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रहेगा। तो ये जो पीवी प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पीवी प्लॉट का अगर आप क्या निकालो भी, एरिया निकालो, तो एरिया भी कौन सा होगा आपके पास, ये नेट एरिया होगा। तो ये जो नेट एरिया आप निकालते हो, ये जो एरिया आप निकालते हो नेट एरिया, तो ये क्या देगा आपको, जो आपको क्या मिला है, एक तरीके से जो आपको आउटपुट मिला है या फिर वर्क मिला है इसकी वजह से, इस इंजन की वजह से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट वर्क हो जाता है। ठीक है, और ये काफी यूज करेगा आपको, मतलब मदद करता है वर्क फाइंड आउट करने में। तो अगर हम यहाँ पे इसी तरीके से टीएस प्लॉट को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, तो टीएस प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है कि किस किसके बीच में है, टी वर्सेस एस में आपको दिखाई दे रहा है। तो 1 से 2 क्या हुआ, 1 से 2 प्रोसेस आपके पास क्या था, कंप्रेशन था। और कंप्रेशन कैसा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था। तो एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है और पीवी की पावर गामा कांस्टेंट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टेम्परेचर पहले कितना था, जो टेम्परेचर पहले T1 था, अब टेम्परेचर कंप्रेस होने की वजह से कितना हो गया, T2 हो गया। फिर क्या हुआ, आपने जैसे ये 2 पोजीशन पे पहुंचता है तो आपने क्या करी भी, हीट को सप्लाई किया। हीट को जैसे ही सप्लाई कर दो स्पार्क प्लग की फॉर्म में, तो क्या होगा, यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा और टेम्परेचर आपका कितना मैक्सिमम पहुंच जाएगा, वो कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे ये थर्ड पे पहुंच, तो आपने हीट एडिशन किया। अब हीट एडिशन करने के बाद क्या होगा, गैस का एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होगा कैसा होगा भी, आपके पास ये आइसेंट्रोपी ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एंट्रोपी आपके पास क्या है, रिमेंस कांस्टेंट, और आप पहुंच गए हो 4 पॉइंट पे। और जब आप 4th पे पहुंच गए, तो जो भी एग्जॉस्ट बचा है, जो बर्न होने के बाद बचा है, वो क्या हो जाएगा, वो लीक कर जाता है। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो हीट रिजेक्शन। और फिर से वापस आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, फर्स्ट पोजिशन पे पहुंच जाओगे। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, आप यहाँ पे ये चीज नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास 4 प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। कितने प्रोसेस हो रहे हैं, 4 प्रोसेस कंप्लीट होने पर हमारी क्या हो रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। क्या हो रही है, हमारी एक साइकिल क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब हमसे पूछता है क्या एग्जाम में, तो ये तो हमारे पास क्या थी, प्रॉपर वर्किंग थी, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर वर्किंग में आपसे पूछता है क्या है, आपसे पूछता है कि एफिशिएंसी क्या होगी ऑटो इंजन, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है भी, एफिशिएंसी होती है जो भी वर्क मिल रहा है आपको, और आप कितनी उसको हीट ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, जो भी आपका आउटपुट में वर्क मिल रहा है और जो भी आप हीट ऐड कर रहे हो वो क्या है, एफिशिएंसी है, उनका रेशियो। तो वर्क जो डन हो रहा है, हम कर सकते हैं जो हीट एडिट हो रही है और जो रिजेक्शन हो रही है, ठीक है, हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ऑटो की आपके पास क्या होती है, कुछ इस तरीके से फॉर्म आती है, लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछता है, फॉर्मूला पूछता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमको ये ध्यान रखना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास इस तरीके से प्रोसेस है, तो हमारे पास ये जो T1 इंटू T3 इक्वल्स टू T2 इंटू T4, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है टेम्परेचर का, ये इक्वल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो आपको मेनली जो आपको कभी नहीं भूलना, वो जो कभी नहीं भूलना है वो है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल अच्छे से इसको बिल्कुल घोट के पी जाना है, क्योंकि डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो आपको मिला है 1 - 1/r की पावर गामा -1, ठीक है, और r क्या है भी आपका, r है आपके पास कंप्रेशन रेशियो, r क्या है आपका कंप्रेशन रेशियो, और जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसकी वैल्यू थी आपके पास जो बड़ा वाला वॉल्यूम था दैट इज V1, और किससे डिवाइड कर दोगे, छोटे वाले वॉल्यूम से। तो बड़ा वाला वॉल्यूम कितना था भी, आपके पास जो भी क्लियरेंस वॉल्यूम था प्लस जो भी आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम था डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपके पास ये, तो आपको आर दे देगा डायरेक्टली और गामा एयर बोल देगा। तो आप क्या निकाल सकते हो, उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, किसकी, ऑटो की। ऑटो की एफिशिएंसी क्या होगी, ये हमारे पास आ गई, खत्म। अब जो नेक्स्ट साइकिल आती है हमारे पास, वो आती है भी हमारे पास टू डीजल साइकिल। ठीक है, तो डीजल के बारे में जान लेते हैं, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हो। तो यहाँ पे भी कितने टोटल प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे भी टोटल हमारे पास 4 प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वो 4 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो देखो 3 तो प्रोसेस वही है जो हमने अभी ऑटो साइकिल में देखे, बस एक चीज यहाँ पे चेंज हो गई, वो ये चेंज हो गई जो हीट का एडिशन है।
अब वो क्या हो गया है, कांस्टेंट प्रेशर पर होने लगा, हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर होने लगा। बाकी सेम है, हीट का रिजेक्शन कब होगा, जब आपके पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। फिर आपके पास जो कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन कब होता है, जब आपके पास क्या होता है यहाँ पे जो कंप्रेशन होता है वो कब होगा भी आपके पास, जब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। और जो एक्सपेंशन है वो भी कब होगा, जब आपके पास एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे भी दो हमें क्या मिल रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस मिल रहे हैं, ठीक है। और एडियाबेटिक भी कैसे, ये रिवर्सिबल है। और ये जो हमारे पास है एडिशन और रिजेक्शन, ये थोड़े से चेंज हुए हैं एक कांस्टेंट प्रेशर का और एक कांस्टेंट वॉल्यूम का, ध्यान रहेगा। अब क्या है, फिर से इसकी साइकिल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो स्लोप होता है, अगर आइसेंट्रोपिक की बात करें तो स्लोप होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, फॉर टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम पे हम क्या कह सकते हैं, ये स्लोप होता है हमेशा ज्यादा होता है, ये तो आप लोग जानते हो, ये तो मैंने आपको समझाया था जब मैंने डायग्राम बताए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर डीजल की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये आपको साइकिल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो, यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हलचल हो रही है। चलो ये है हमारे पास, तो आप देख सकते हो ये आपके पास क्या है भी, सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भी, सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये सिलेंडर है हमारे पास, ठीक। अब इसमें क्या होगा भी, आपके पास बिल्कुल वही सेम कहानी, एक क्या होगा भी पिस्टन होगा। तो पिस्टन है और ये उसकी क्या है, पिस्टन की टीडीसी पोजीशन है, और ये हमारे पास क्या है भी, उस पिस्टन की बीडीसी पोजीशन, क्या है हमारे पास, पिस्टन की बॉटम डेड पोजीशन। अब क्या करोगे आप, जब वन से टू पर जा रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंप्रेशन करोगे। तो कंप्रेशन कैसा होता है यहाँ पे, कंप्रेशन हमेशा कैसा होता है, एडियाबेटिक होता है, मतलब आइसेंट्रोपिक, मतलब क्या होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो कंप्रेशन करोगे तो क्या होगा, कंप्रेशन से आपका जो प्रेशर पहले कितना था भी, पी वन था, अब ये प्रेशर कितना हो गया है, पी टू हो चुका है, प्रेशर कितना हो गया है, पी टू हो गया है। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये जो सिलेंडर था, इसने क्या किया अभी, यहाँ से कंप्रेशन किया और ये वन से टू की तरफ मूव कर गया। जब वन से तरफ टू की तरफ मूव कर गया तो आपका जो ये फ्यूल वगैरह था उसका प्रेशर बढ़ गया, और साथ ही साथ क्या हुआ, उसका टेम्परेचर भी राइज कर गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब क्या होगा, जब यहाँ पे पोजीशन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू पोजीशन पे आप देख रहे हो, और आप क्या करोगे, टू पोजीशन क्या करोगे, आप उसको हीट सप्लाई करोगे। तो हीट सप्लाई करोगे तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है कि जब हीट सप्लाई करते हैं तो पिस्टन का सिलेंडर है वो कैसा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट मेंटेन है, कैसा है वो, यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन है। और टू से थ्री तक हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टू से थ्री आपको दिखाई दे रहा है, इस यहाँ जब ये पिस्टन की पोजीशन यहाँ तक थ्री तक पहुँचेगी, हम क्या करते रहेंगे, उसको हीट सप्लाई करते रहेंगे। तो टू से थ्री क्या हुआ, हमारे पास हीट का सप्लाई हुआ, और ये कब हुआ, जब मेरे पास प्रेशर कैसा था, कॉन्स्टेंट था टू से थ्री के लिए। फिर क्या हुआ, जब थ्री तक पहुंच गया तो थ्री से फोर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, थ्री से फोर आपका क्या हो रहा है भी, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, थ्री से फोर क्या हो रहा है, आपके पास एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। और फिर क्या होगा आपके पास, फिर वापस क्या हो जाएगा भी, फोर टू वन जो ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे सिलेंडर यहाँ रुका हुआ होगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ से हीट का रिजेक्शन, ठीक है। तो हीट सप्लाई कब हो रही है आपके पास, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, और हीट रिजेक्शन कब हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। और वन से टू क्या है आपके पास, पीवी की गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट कंप्रेशन, और थ्री टू फोर क्या है, पीवी की गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आप इसको टीएस प्लॉट में आप बनाना चाहो तो आप बहुत इजिली ड्रॉ कर सकते हो। देखो वन से टू क्या है भी, आपके पास एस वन इक्वल्स टू एस टू, आइसेंट्रोपिक क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन है, और कंप्रेशन की वजह से आप देख सकते हो जो टेम्परेचर पहले टी वन था कितना हो गया, टी टू हो गया, तो प्रेशर भी बढ़ा आपके साथ ही साथ क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा। उसके बाद आपने क्या किया अभी, टू से थ्री के लिए आपने क्या किया अभी, यहाँ से हीट को सप्लाई किया, और हीट को सप्लाई करते हो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, तो सप्लाई करते हो किस पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। और स्लोप देख सकते हो क्या कि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का जो ढलान है वो ज़्यादा है, मतलब आप अगर यहाँ पे बैठ जाओ खुद तो आप इसमें टाइमली फिसलोगे, अगर यहाँ बैठ जाओ तो इसमें बहुत तेज़ी से गिरोगे। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का ज़्यादा है। तो फोर टू वन क्या होगा आपके पास, हीट रिजेक्शन होगा, और थ्री टू फोर क्या होगा आपके पास, यहाँ पे कह सकते हैं एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और ये कैसा एक्सपेंशन है, आपके पास एस थ्री बराबर कितना होगा, एस फोर होता है, ठीक
है, बात क्लियर है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो उसके लिए हमें वर्क चाहिए होगा, तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये ब्लू वाला, तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, जो हमें वर्क नेट वर्क जो ऑब्टेन हुआ है इस साइकिल में, तो नेट वर्क जो ऑब्टेन हुआ है हमें इस साइकिल में, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो वही सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास चार प्रोसेस हो रहे हैं और चार प्रोसेस में हमारे पास एक साइकिल हमको ऑब्टेन हो रही है। अब हमसे पूछता है कि एफिशिएंसी बताओ डीजल की क्या होती है, तो एफिशिएंसी डीजल की देखो ये होती है, तो उससे पहले एफिशिएंसी से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास कंप्रेशन रेशियो, ये तो आप लोग जानते हो, जो भी आपके पास क्या है लार्ज वॉल्यूम है, तो वी वन क्या है वी सी प्लस वी एस है, और वी सी क्या वी टू क्या है हमारे पास वी सी, ये तो आप लोग जानते हो। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है कट ऑफ रेशियो, क्या होती है कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो क्या है आपके पास वॉल्यूम का ही रेशियो होता है, कट ऑफ रेशियो क्या है वॉल्यूम का ही रेशियो होता है। कट ऑफ कहने का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया है, देखो टू से थ्री तक तो आपने क्या किया अभी इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, तो थ्री पर आके आपने क्या किया सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, क्या कर दिया अभी थ्री टू फोर आपने क्या कर दिया, जो आप हीट सप्लाई कर रहे थे हीट एडिशन कर रहे थे उसकी कट ऑफ कर दी, उसको खत्म कर दिया। तो अगर मैं कट ऑफ रेशियो की बात करूं तो कट ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है आपके पास बड़ा वाला डिवाइडेड बाई जो वॉल्यूम है छोटा वाला, और आप इसको किससे शो करते हो रो से शो करते हो, ठीक है ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो, तो एक्सपेंशन रेशियो मैंने आपको बताया था, एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है भी हमारे पास वही जो लार्ज वॉल्यूम है उसको आप लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं आपके पास जो स्मॉल वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है अल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन कट ऑफ रेशियो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए बन सकता है भाई, आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा आर दे देगा, और आपको दे देगा भी कट ऑफ रेशियो दे देगा, तो कट ऑफ रेशियो और आर की वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछेगा कि एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा डीजल साइकिल के केस में, तो डीजल साइकिल केस में एक्सपेंशन रेशियो कितना होगा आर बटे, ठीक है। तो अब आते हैं कि फॉर्मूले के ऊपर, तो ये आपको जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है इसको बस इस बॉक्स वाले को देखो आप, बॉक्स वाले को, तो ये जो बॉक्स में आपको ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये आपके एग्जाम में ऐसी हूबहू डायरेक्ट पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो क्या होता है वन माइनस वन अपॉन आर की पावर गामा माइनस वन, तो आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो कि वन माइनस आर की पावर गामा माइनस वन, तो ये तो हमारे पास किसका था भी एफिशिएंसी, ये तो हमारे पास ऑटो की एफिशिएंसी थी, तो मतलब इसमें ऑटो की एफिशिएंसी का रूल आ गया। फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और हम क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे रो माइनस वन ऊपर और रो माइनस वन नीचे, दोनों तरफ लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्लियर हो गया, तो रो हमारे पास क्या है भी कट ऑफ रेशियो है, ठीक है। अब क्या करेंगे ऊपर यहाँ पे रो की पावर गामा ऊपर है, तो पावर में ऊपर लगा दी गामा, लेकिन ये नीचे है तो इसको नीचे ही बैठना पड़ेगा, और पूरे ब्रैकेट के साथ हमने क्या कर दिया गामा लगा। तो ये जो आपके पास रिलेशन मिला, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है। तो ध्यान रहेगी आपको क्या एफिशिएंसी है यहाँ पे, ठीक है आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आती है नेक्स्ट साइकिल जो इंपॉर्टेंट है वो है डुअल साइकिल, या क्या तो आप इसको डुअल कंबशन साइकिल, या आप इसको क्या बोलते हो सेमी डीजल साइकिल के नाम से ही जानते हो। तो इसमें क्या होता है टोटल हमारे पास पांच प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं यहाँ पे पांच प्रोसेस होते हैं, इससे पहले कितने प्रोसेस होते थे चार प्रोसेस होते, तो यहाँ पे पांच प्रोसेस होने पर क्या मिल रही है एक कंप्लीट साइकिल हो रही है, यहाँ पे पांच प्रोसेस होने से क्या हो रही है कंप्लीट साइकिल मिल रही है। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं तो वो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, आपके पास लिखे हुए हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा भी हमारे पास यहीं पे, तो अगर मैं क्या बनाता हूँ यहाँ पे सिलेंडर बना के देखते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं फटाफट अपना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया भी सिलेंडर बन गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे तरीके से और तरीके से और इस तरीके से क्या किया मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब उसका पर्पस क्या है वो भी यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है आपके पास पोजीशन है किसकी, ये आपके पास है टी टी सी पोजीशन है, और ये आपके पास क्या है बी डी सी पोजीशन,
ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये हमारे पास जो है इसको आपने बोला है पॉइंट नंबर फोर, ठीक है। तो फोर या फिर आप इसको वन भी बोल सकते हो क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक होगा फाइनल हमारे पास साइकिल कंप्लीट होगी, और ये हमारे पास क्या है टू, और इसके ऊपर जो भी वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है इस वॉल्यूम को आपने क्या बोला था, इसको बोला था क्लियरेंस वॉल्यूम। और कितना स्ट्रोक वॉल्यूम है वो टोटल इतना स्ट्रोक वॉल्यूम है तो लेंथ कवर करेगा एल, तो ये जो हमारे पास पूरा वॉल्यूम है इसको आपने बोला है बी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं फिर से स्टार्ट करते हैं साइकिल को, तो क्या होगा सबसे पहले बीडीसी से, ठीक है ये आपका पिस्टन की पोजीशन है, तो बीडीसी से पिस्टन क्या करेगा अभी इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो बीडीसी से पिस्टन मूव करेगा कहाँ पे, इस टीडीसी की तरफ, तो बीडीसी से टीडीसी की तरफ क्या करेगा पिस्टन मूव करेगा, तो क्या होगा कंप्रेशन होगा, तो ठीक है वन से टू क्या हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो जब आप टीडीसी पर पहुंचते हो तो यहाँ पे पिस्टन थोड़ी देर रुकता है, थोड़ी देर क्या होता है पिस्टन होल्ड करता है, और क्या होता है उसका हीट का एडिशन होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, क्या होता है हीट का एडिशन होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। फिर क्या होगा जब आपके पास कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर मतलब पिस्टन रुका हुआ है और आप क्या कर रहे हो उसको हीट सप्लाई करे जा रहे हो, फिर क्या होगा पिस्टन अब नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और जब नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा हम लोग ये अज्यूम मान लेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पर आप क्या कर रहे हो अभी भी हीट सप्लाई कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या था अभी टू डैश, ठीक है, और ये हमारे पास क्या पॉइंट है थर्ड पॉइंट है, तो टू से थ्री पर भी आप क्या कर रहे हो इसको हीट ही दे जा रहे हो। फिर क्या होगा थ्री से फोर जो आपको ये थ्री टू फोर दिखाई दे रहा है ये जो है हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास होगा ये होगा हमारे पास टेंशन क्या होगा हमें एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा आपके पास, ठीक है। तो और फोर टू वन क्या होगा फिर आप हीट का रिजेक्शन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है टोटल आपके पास क्या है पांच प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कट ऑफ पॉइंट कहाँ पे भी कट ऑफ पॉइंट है थ्री पे, थ्री पे आपने क्या कर दिया स्पार्क प्लग को कट ऑफ कर दिया बंद कर दिया, तो ये हमारे पास क्या था पीवी प्लॉट था। अब हम क्या देख सकते हैं इसका ही टीएस प्लॉट भी तो देख सकते हैं, तो टीएस प्लॉट आपको ये दिखाई दे रहा है, तो टीएस प्लॉट में क्या है यहाँ पे वन से टू क्या कर रहे हो आप आइसेंट्रोपिकली क्या कर रहे हो एस वन इक्वल्स टू एस टू पर क्या कर रहे हो हीट मतलब क्या कर रहे हो कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस कर रहे हो तो ये हो गया आपके पास। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप होता है थोड़ा ज्यादा होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो और आपको मिल गया टू डैश। फिर क्या होगा आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पर आप फिर से हीट सप्लाई करोगे और जो स्लोप होगा कांस्टेंट प्रेशर का वो कम होगा किससे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और आप कहाँ पर पहुंच जाओगे थ्री पर पहुंच जाओगे। फिर थ्री टू फोर पे क्या करोगे एक्सपेंशन करोगे और थ्री टू फोर पे आप फोर्थ पे पहुंच गए। फिर फोर टू वन पे वापस आप क्या करोगे हीट को रिजेक्शन करोगे और हीट का रिजेक्शन कैसा होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होगा, क्या होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे क्या थे टोटल फाइव प्रोसेस थे, तो फाइव प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस थे, एक तो हमारे पास क्या था कंप्रेशन था, तो कंप्रेशन कैसा था हमारे पास कंप्रेशन तो हमारे पास कैसा था एडियाबेटिक कंप्रेशन था, मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू क्या थी कॉन्स्टेंट थी, और जो हमारा एक्सपेंशन था एक्सपेंशन भी हमारे पास क्या था एडियाबेटिक था, और यहाँ पे भी क्या था एस कॉन्स्टेंट था। उसके बाद आपने हीट एडिशन किया, और हीट एडिशन पहले आपने किया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और फिर आपने किया कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ तक बात क्लियर है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर पे आपने क्या किया हीट को ऐड किया, और उसके बाद आपने क्या किया जो हीट का रिजेक्शन किया वो क्या किया वो किया आपने कांस्टेंट। तो आपको ध्यान होगा कि हमने जब शुरू में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो एक्सपेंशन रेशियो है ठीक है, तो एक्सपेंशन रेशियो हमने क्या बताया था कि जो जितनी भी साइकिल्स होती है सब साइकिल का क्या होता है अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सपेंशन रेशियो आपको हर साइकिल का अलग अलग दिखाई दे रहा है। देखो इसमें कितना एक्सपेंशन मिला, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना एक्सपेंशन मिला, ठीक है। ठीक इससे पहले देखो एक्सपेंशन रेशियो दिखाऊं मैं आपको साइकिल का, तो देखो इसमें कितना एक्सपेंशन है सिर्फ और सिर्फ इतना है, और इसमें अगर मैं दिखाऊं एक्सपेंशन तो यहाँ पे देखो कितना एक्सपेंशन रेशियो है, यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंशन कितना हो रहा है भी इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक्सपेंशन रेशियो हर साइकिल का क्या होता है अलग अलग होता है, और लेकिन अगर आप देखो किसको आप देखो कंप्रेशन रेशियो को, तो ये वन से टू वाला कंप्रेशन है, उसके बाद आप देख सकते हो ये आपके पास फिर से वन से टू वाला कंप्रेशन है, उसके बाद आप देख सकते हो इसके लिए भी वॉल के लिए भी, तो ये भी क्या है आपके पास कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या है आपके पास जो साइकिल है उनका क्या रहता है सेम रहता है,
ठीक है, एक्सपेंशन रेशियो डिफरेंट होता है और जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है इन साइकिल के लिए क्या होता है, सेम होता है ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बोल रहा हूँ ठीक है, मैं डिजिट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो कि नहीं हमने तो कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू भी पढ़ी थी, अलग अलग पढ़ी थी ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा हूँ कि रेशियो क्या हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या होता है, तो ये आपके पास कट ऑफ रेशियो था, तो यहाँ से कट ऑफ रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है, वी थ्री अपॉन वी टू डैश है ठीक है, आपको डायग्राम देखना है, डायग्राम से ध्यान रखना है कि कट ऑफ आपके पास कहाँ पे हो रहा है, कट ऑफ सप्लाई हो रही है टू डैश से थ्री तक हो रही है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है वी थ्री अपॉन वी टू डैश। फिर क्या है जो आर की वैल्यू है वो तो वी वन अपॉन वी टू है, कंप्रेशन रेशियो तो क्या है आपके पास यहाँ भी सेम है, जो टोटल वॉल्यूम है डिवाइड कर दोगे क्लियरेंस वॉल्यूम से ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एक्सप्लोजन रेशियो, तो ध्यान रखना है एक्सप्लोजन रेशियो जो क्या है आपके पास आर, और एक्सप्लोजन रेशियो क्या है प्रेशर का रेशियो होता है, एक्सप्लोजन रेशियो क्या है आपके पास प्रेशर का रेशियो है, तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर पर सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप क्या कर रहे हो एडिशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है एक्सपेंशन रेशियो मिल रहा है जो क्या है पी टू डैश अपॉन पी टू, तो आपने अल्फा से डिनोट किया है। तो अगर हम डुअल निकालना चाहते हैं तो डुअल की जो एफिशिएंसी आती है वो ये आती है जो ये बॉक्स में आपको दिखाई देगी ठीक है, तो ये जो आपके पास जो वैल्यू आई है आपके पास डुअल की आपको ये ध्यान रखनी है सिर्फ और सिर्फ ये वाली ठीक है, ध्यान रहेगी। आप इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो अब तक आप क्या लिखते आ रहे थे, अब तक आपने लिखी थी अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो को हमने लिखा था 1 - 1 / r की पावर गामा माइनस 1 ये लिखा था। फिर मैंने आपको पढ़ाया डीजल, तो डीजल में हमारे पास आया हमने क्या किया था अभी रो माइनस वन किया था, फिर हमने क्या किया था हमने ऊपर वाले को गामा ऊपर रख दिया था और छोटे नीचे वाले को नीचे रहने दिया था, तो ये हमारे पास क्या गई थी किसकी आ गई थी आपके पास ये डीजल की आ गई थी। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करते हैं, और मॉडिफिकेशन क्या करता हूँ मैं यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई फर्क हुआ, थोड़ा सा फर्क हुआ ना अल्फा से मल्टीप्लाई ऊपर और अल्फा से मल्टीप्लाई नीचे ठीक है। अब साथ में और क्या करूंगा मैं नीचे की तरफ बस एक अल्फा माइनस वन और क्या कर दूंगा लिख दूंगा, तो जब मैं नीचे अल्फा माइनस वन लिख दूंगा तो ये आपको जो एक्सप्रेशन आप पूरी मिल रही है ये जो एक्सप्रेशन मिल रही है तो ये एक्सप्रेशन आपकी क्या है डुअल की एक्सप्रेशन। तो आप क्या कर सकते हो इसको सिर्फ ऑटो से रिलेट करके आप क्या कर सकते हो सारी तीनों की तीनों एफिशिएंसी लिख सकते हो ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई आई होप। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे एसएससी जेई में पूछता है कि कंपैरिजन पूछता है कि ऑटो डीजल ठीक है और डुअल में अगर कोई कंडीशन देता है तो उसमें क्या होता है आपके पास किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि जो कंप्रेशन रेशियो है अगर सेम हो जाए, अगर हमारे पास कंप्रेशन रेशियो और जो हीट रिजेक्शन है वो दोनों ही सेम है, हीट रिजेक्शन भी सेम है और आपके पास क्या है कंप्रेशन रेशियो भी सेम है, तब किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो देख सकते हो कि अगर हमारे पास में ये जो रेड वन मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो 1 से 2 कंप्रेशन ठीक है, फिर क्या हो रहा है आपके पास 2 से 3 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन होता है, फिर 3 to 4 क्या होता है आपके पास एक्सपेंशन होता है, और 4 to 1 क्या होता है हीट रिजेक्शन होता है। ये हमारे पास साइकिल है, ब्लू वाली किसकी है भी, ब्लू वाली तो आपके पास ऑटो की है ठीक है, ब्लू वाली तो किसकी है भी ऑटो की ठीक। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कंप्रेशन रेशियो और हीट रिजेक्शन अगर सेम है, तो कंप्रेशन रेशियो सेम है इसका मतलब ये है कि अगर मैं दूसरी साइकिल बनाता हूँ कौन सी वाली, अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे डीजल वाली, तो डीजल के लिए क्या होगा कंप्रेशन रेशियो सेम होगा, ये रेड से जा रहा है, फिर क्या होगा यहाँ पे क्या होता है कि इसका हाईएस्ट प्रेशर है 2 ठीक है, कंप्रेस करने के बाद तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा हीट का एडिशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहीं पे बैंड हो जाती है और आपको क्या मिलेगा एक नया पॉइंट मिलेगा लेट इट बी, तो हम लोग बोल देते हैं क्या 3P बोल दिया इसको ठीक है। तो 2 से 3 P जो लिखा है ये क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन किया, और फिर 3 to 4 क्या हुआ आपके पास एक्सपेंशन स्ट्रोक हुआ, 4 to 1 वापस क्या हुआ हीट रिजेक्शन हुआ, क्योंकि हीट रिजेक्शन भी सेम है और कंप्रेशन भी सेम है इसलिए सेम करना पड़ रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया फिर से हमने तीसरी साइकिल बनाई और अब मैं बना रहा हूँ फिर से ग्रीन से, तो ग्रीन वाले को आप देख सकते हो क्या हुआ पहले तो 1 से 2 क्या हुआ कंप्रेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा अभी थोड़ा सा वॉल्यूम चलेगा तो 2 से 2 एस के आया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हुआ, उसके बाद क्या होगा 2S से 3S जाएगा और 2S से 3S जब जाएगा तो क्या होगा कॉन्स्टेंट
प्रेशर पर हीट का एडिशन होगा, और फिर 3 to 4 क्या होगा आपके पास, 3 to 4 क्या होगा आपके पास एक्सपेंशन होगा, फिर वापस 4 to 1 क्या हो जाएगा आपके पास हीट रिजेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन थी वो सेम मतलब क्या हो गई, फुलफिल हो गई कि हीट रिजेक्शन सेम रहा और कंप्रेशन रेशियो भी क्या रहा सेम। ठीक है, अब ये कैसे हमें फाइंड आउट करना है, तो आप देख सकते हो कि जो एफिशिएंसी होती है वो होती है जो भी वर्क ऑब्टेन हो रहा है डिवाइडेड बाय जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एडिशन का, तो हीट एडिशन आप लिख सकते हो कि जो भी रिजेक्शन हो रही है प्लस जो भी आपके पास वर्क डन है, क्योंकि जो नेट वर्क डन है वो क्या है भी जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो माइनस जो भी हीट रिजेक्शन कर रहे हो। तो हमने क्या किया, हीट एडिशन को क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी प्लस एच आर लिख दिया। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, अब आप क्या करो, WD कॉमन ले लो, तो WD से WD कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगी, 1/HR/WD+ और HR/WD। अब देखो क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि जो हीट रिजेक्शन रेशियो है, जो हीट रिजेक्शन है वो क्या है सेम है, और हीट रिजेक्शन अगर सेम है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन का फंक्शन रहेगी। तो यहाँ से क्या है कि जिसका वर्क ज्यादा मिलेगा, जिसमें वर्क आपको ज्यादा मिलेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये तो हमें समझ में आ रहा है, जिसका वर्क ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलने वाली है। क्लियर हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वर्क की बात कर लेते हैं, तो किसमें वर्क आपको ज्यादा मिलने वाला है, तो देखो वर्क, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जिसका वर्क ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन कहाँ है, नीचे की तरफ है एचआर की। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अगर WD की वैल्यू बढ़ गई, तो WD की वैल्यू बढ़ने से क्या हुआ, ये जो फ्रैक्शन था ये फ्रैक्शन क्या हो गया, अभी घट गया, और जब वन में से आप क्या कर रहे हो, कोई चीज कम वाली ऐड कर रहे हो, तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर ये एक्सप्रेशन कम हो गई तो उस केस में एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वर्क डन देखते हैं, सबसे पहले वर्क डन देखते हैं किसका, सबसे पहले वर्क डन देखते हैं हम, देखते हैं किसका, इसका। तो देखो इतना वर्क मिल रहा है हमें किस केस में, इतना जो वर्क आपको दिखाई दे रहा है ये किसका वर्क है, ये आपके पास है डीजल का वर्क। ठीक है, उसके बाद देखो आपको दूसरा जो वर्क मिल रहा है वो दूसरा वर्क कौन सा है आपके पास, ये ग्रीन वाला। तो ये जो वर्क है ये किसका, किसका वर्क है भी, ये आपके पास है डुअल का, तो मतलब डुअल का ज्यादा है किससे, डीजल से। ठीक है, और जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है ये जो रेड मैंने कलर किया है, ये जो रेड दिखाई दे रहा है और ये रेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन से वाले का है भी, ये आपके पास है ऑटो वाले का। साइकिल थोड़ी सी खराब हो गई है लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपको समझा दी यहां से। तो अब आप समझ गए कि वर्क डन सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया। ठीक, चलो, तो आप देख सकते हो जो वर्क डन किसका है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा है आपके पास ऑटो का, फिर वर्क डन किसका है सबसे ज्यादा, फिर आपके पास है डुअल का, फिर किसका वर्क है आपके पास डीजल का। और समझ में आ रही है, तो वर्क डन क्या है सबसे ज्यादा किसका मिल रहा है आपको, ऑटो का, फिर किसका मिल रहा है भी डीजल का, और सॉरी डुअल का, और फिर किसका मिल रहा है आपको डीजल का। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हो कि जिसका वर्क डन ज्यादा है उस केस की एफिशिएंसी उसकी उतनी ज्यादा है, कि हमने अभी प्रूव कर दिया कि एफिशिएंसी, जिसका वर्क डन जितना ज्यादा है एफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जिसका वर्क डन यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है एफिशिएंसी फंक्शन है किसका, वर्क डन का, तो इसलिए क्या है कि जो एफिशिएंसी होगी किसकी, ऑटो की ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, फिर किसकी होगी भी आपके पास डुअल की होगी, और फिर किसकी होगी एफिशिएंसी डीजल की होगी। ये कब होगी, कंडीशन क्या रखी थी हमने, कंडीशन ये रखी थी कि जो हीट रिजेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए, हीट रिजेक्शन वाला सेम होना चाहिए, और जो कंप्रेशन रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर ये सेम है तो आपके पास क्या है, ये आपके पास सेम होना चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कंप्रेशन अगर सेम है और हीट रिजेक्शन सेम है तो दोनों के केस में क्या हो रहा है, आपके पास ऑटो बेस्ट है, डुअल बीच में आएगा हमेशा, और फिर डीजल खिसक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, नेक्स्ट केस आ रहा है कि अगर हम क्या चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम प्रेशर है अगर वो सेम रहे, जो आपका मैक्सिमम प्रेशर है अगर वो सेम रहता है और जो वर्क डन है, ठीक है, वो भी सेम रहे, मतलब अगर WD भी सेम हो गया और जो पी मैक्सिमम है, मतलब जो 3 वाला पॉइंट था, वो भी क्या हो जाता है, अगर सेम हो जाता है, तो एफिशिएंसी लिखते हैं भी WD अपॉन हीट एडिशन, और WD और हीट एडिशन को हमने लिखा था HR प्लस WD। ठीक
ठीक है। अब डब्ल्यू डी तो क्या है, सेम है, तो डब्ल्यू डी जब सेम है तो इसका मतलब एफिशिएंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हीट रिजेक्शन के। तो जिस केस में हीट रिजेक्शन ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो मतलब हम क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे कि जहाँ पे हीट रिजेक्शन कम हो रहा है वहां पे एफिशिएंसी क्या है, बेहतर है। एफिशिएंसी क्या है वहां पे, उतनी अच्छी है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे क्या रखना है, आपके पास जो प्रेशर है वो सेम रखना है। तो प्रेशर सेम है तो वो कैसे आएगा, देखो वन से टू, तो वन से तो पहले हम क्या करते हैं कि सिंपली हमारे पास जो साइकिल होती है मैंने बनाई सबसे पहले, क्योंकि प्रेशर मेंटेन रखना है तो मैंने बना दी सबसे पहले डीजल वाली। तो वन से टू, टू से थ्री, थ्री टू फोर और फोर टू वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि डीजल वाली हो गई। फिर हमने क्या बनाई, इसके बाद मैंने आप बनाई कौन सी वाली, वन से टू गया कंप्रेशन, फिर क्या हुआ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या हुआ हीट एडिशन हुआ, फिर क्या हुआ अभी थ्री टू फोर, थ्री टू 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 थ्री क्या हुआ, थोड़ा सा आगे लेके जाने पड़ेगा क्योंकि वर्क डन क्या है यहाँ पे सेम है, वर्क डन सेम होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो एरिया है दिखाई दे रहा है इनके बीच का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे की तरफ खिसक जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से क्या हो जाएगा, पॉइंट खिसक गया आपका और ये थ्री एस पर पहुंच गया और ये क्या हो गया आपके पास इस तरीके से, ये बन गया आपके पास जो ब्लू वाली आपको साइकिल दिखाई दे रही है। तो ये जो साइकिल बनी है ये आपके पास क्या है, डुअल वाली साइकिल। ठीक है, तो वर्क क्या होना चाहिए, वर्क भी सेम रहना चाहिए। तीसरी क्या है आपके पास, जो साइकिल बची कौन सी, अब बची हमारे पास ऑटो साइकिल, तो ऑटो बनाते हैं ग्रीन से। तो क्या होगा भी यहाँ से कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ये मैक्सिमम प्रेशर पहुंच गया, फिर क्या होगा 3P से 4P हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ और इस तरीके से क्या हुआ इसका रिजेक्शन हुआ इतना। तो अगर वर्क डन हमने सेम बना रखा है तो आप देख रहे हो क्या कि जो 4 टू 1 है, तो 4 टू 1 तो किसका है भी, 4 टू 1 तो आपके पास किसका था, ये हमारे पास था डीजल का, तो ये डीजल का हीट रिजेक्शन है। फिर आप देख रहे हो कि 4S से 1 तो ये किसका रिजेक्शन है, ये तो डुअल वाले का हीट रिजेक्शन है। और फिर आप देख रहे हो 4P से 1 वाला, ये किसका रिजेक्शन है, ये आपके पास ऑटो का रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है, हीट रिजेक्शन सबसे ज़्यादा किसका है भी, आपके पास ऑटो का, फिर किसका है डुअल का, फिर किसका है एफिशिएंसी का। तो हीट रिजेक्शन के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हीट रिजेक्शन अगर ऑटो की ज़्यादा है फिर किसकी ज़्यादा है, डुअल की, फिर किसकी है मतलब सबसे कम किसकी है, डीजल की। तो जो एफिशिएंसी होगी वो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी, तो एफिशिएंसी डीजल की ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी डुअल की होगी और फिर किसकी होगी ऑटो। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभी ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ से रिलेशन आ गया कि अगर वर्क डन और आपके पास जो हीट एडिशन है क्या होता है, अगर वो सेम है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है मतलब सॉरी हीट एडिशन कह रहा हूँ, तो कौन अगर प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर और जो वर्क डन हो रहा है वो अगर सेम है तो उस केस में कौन जीतेगा, उस केस में जीतेगा डीजल। कौन जीतेगा, डीजल जीतेगा। और अगर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है जो हीट रिजेक्शन है और अगर कंप्रेशन रेशियो सेम रहेगा तो उसमें कौन जीतेगा, उसमें बाजी मार जाएगा ऑटो। और डुअल तो बेचारा दोनों के बीच में हमेशा फंसा हुआ रहता है। ठीक है, खत्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है, कैसे होता है मैंने ये थ्रू समझा दिया आपको। आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट आया था, इसमें कोई पॉइंट, हाँ पहला पॉइंट तो हमें डिस्कस कर लिया, इसकी एफिशिएंसी बेटर होती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास डीजल साइकिल इंजन के बारे में, देखते हैं। तो डीजल साइकिल में जो फ्यूल होता है वो क्या होता है भी, डीजल होता है। और जो कंप्रेशन होता है वो किसका कंप्रेशन होता है, एयर का होता है। मतलब जो सिलेंडर के अंदर फिल होते हैं ना, जो सिलेंडर के अंदर आप फिल करते हो तो वो जाती है पहले एयर, तो हम एयर को कंप्रेस करते हैं, उसके बाद क्या डालते हो डीजल को इंजेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर। ठीक है, यही करते हो। तो इस वजह से जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो एयर का सबसे ज्यादा होता है। मतलब आप एयर को कितनी भी कंप्रेस कर लो वो फटेगी नहीं, समझ रहे हो ना, लेकिन आप पेट्रोल को कंप्रेस कर लो तो वो चलता है एक्सप्लोड कर सकता है। तो इसलिए इसी वजह से क्या होता है कि एयर का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो ज्यादा होता है। कितना होता है डीजल के केस में, 16 से 22 होता है। डायरेक्ट वैल्यू पूछता है, एग्जाम्पल कहाँ पे यूज करते हो, आप ट्रक में यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देखो डुअल की बात कर लेते हैं, डुअल साइकिल की, या आप इसको सेमी डीजल भी बोलते हो। तो इसमें जो कंप्रेशन होता है वो किसका होता है भी, एयर का होता है। और जो फ्यूल प्लस डीजल यहाँ पे रहता है, और जो एक्सपेंशन सॉरी जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है 12 से 16। कितना होता है 12 से 16, कहाँ पे यूज करते हो, आजकल ये कार में यूज हो रहा है। और ऑटो कितना रहता है भी, ऑटो का तो आपका 8 से 12 रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ऑटो का कंप्रेशन रेशियो बताओ तो 8 से 12 होता है। ठीक है,
आठ से, ठीक है ध्यान रखना ऑटो के लिए। कंपैरिजन देख लेते हैं फटाफट, दोनों में क्या कंपैरिजन होता है, किस किस में भी आपके पास जो डुअल है और जो डीजल है, ठीक है डुअल और डीजल का क्या कंपैरिजन रहता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो डुअल साइकिल की बात करते हैं, तो डुअल साइकिल के लिए क्या हो रहा है, हीट एडिशन क्या हो रहा है, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, उसके बाद क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या है, जो हीट एडिशन है जो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है उस हीट एडिशन से जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, मतलब जो कांस्टेंट जो हीट आप ऐड कर रहे हो, जो आप हीट कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पर, वो 2 से 3 गुना क्या होती है ज्यादा होती है जब हम हीट करते हैं ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, तो अगर क्या लिखा है कि अगर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर होती है तब क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी कम होगी, तब क्या होगी एफिशिएंसी कम होगी। हालांकि कांस्टेंट वॉल्यूम के हीट एडिशन के लिए इंजन को क्या होना पड़ेगा, बीच में रुकना पड़ेगा, भी कांस्टेंट वॉल्यूम है ना तो ऊपर जा रहा है तो उसको थोड़ी देर वहां पे रुकना पड़ेगा तभी तो आप हीट ऐड करोगे, ठीक है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंजन आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इस इंजन को थोड़ी देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, फिर आप हीट ऐड करोगे फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ऐसा क्या है कि और यही मोशन बार बार कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो जो क्या है एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है पॉसिबल नहीं होता है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या होता है, ऊपर जाता है इतना तेज जाता है कि यहाँ पे जब तक ये ऊपर से फिर नीचे वापस आ रहा होता है तब तक हम क्या कर चुके थे, हीट का एक्सचेंज कर चुके होते हो, तभी आप क्या करते हो, आप करते हो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट लिखा है, जो हीट एडिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है उस टाइम पे क्या होता है जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होगा उसका प्रेशर रेशियो क्या होता है, एक्सप्लोजन रेशियो, तो क्या बोलोगे आप एक्सप्लोजन रेशियो बोलोगे, कब जब हीट एडिशन प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो उस प्रेशर रेशियो को आप क्या बोलते हो, एक्सप्लोजन रेशियो बोलते हो। तो ये हमने देखा था किसमें, हमने डुअल में देखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, चार पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, तो वो नोट क्या पॉइंट है यहाँ पे, ये है कि अगर मैक्सिमम वर्क डन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है मैक्सिमम वर्क डन की बात हो रही है ऑटो साइकिल के लिए, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलता है कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेंड हो रहा है ऑटो साइकिल का, तो आपसे पूछेगा कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा, इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा, ये T2 और T4। तो मैक्सिमम वर्क डन निकालने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होंगे, जो भी आपके पास हाई टेम्परेचर है और जो भी लो टेम्परेचर है उसका आप क्या कर लो, अंडर रूट निकाल के उनका प्रोडक्ट लिख दो, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है इससे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर पावर कॉन्स्टेंट पर क्या हो, पावर कॉन्स्टेंट हो तो उसके लिए क्या होगा, तो अगर पावर कॉन्स्टेंट हमारे पास भी, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि हमें इतनी पावर चाहिए वो फिक्स है, तो पावर होता है क्या है, पावर होता है टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड, टॉर्क कितना लग रहा है इनटू एंगुलर स्पीड। तो अगर हमारे पास क्या है कि जो टॉर्क की वैल्यू है और पावर हम चाहते हैं मेंटेन करना, तो अगर टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है तो फिर इसकी वैल्यू घटना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू को घटना पड़ेगा। तो जो हमारे हैवी ट्रक्स होते हैं हम क्या करते हैं वहां पे इसको यूज करते हैं, किसको, डीजल इंजन को, ठीक है। और अगर मेरे पास क्या है जो टॉर्क है जिसकी वैल्यू कम रिक्वायर्ड है तो वहां पे ओमेगा ज्यादा मिल जाती है, जैसे आपकी क्या होती है स्पीड कार्स होती है, तो लाइटर व्हीकल में यूज करते हैं, तो ऑटो साइकिल स्प्लेंडर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इफेक्ट ऑफ आर गामा, ठीक है कट ऑफ रेशियो, एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है तो देख लेते हैं फटाफट। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो देखो गामा बढ़ रहा है एफिशिएंसी बढ़ेगी, आर बढ़ रहा है एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन अगर कट ऑफ रेशियो बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी घटती है, कट ऑफ रेशियो अगर बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी क्या होती है यहाँ से घटती, बस इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। कैसे कैसे हो रहा है वो आप फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करके वहाँ से रिलेट कर सकते हो, डीजल का फॉर्मूला लिखो, डुअल का फॉर्मूला लिखो और वहाँ पे आप वैल्यू को पुट करो और आप देखोगे जब रॉ की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी घट रही होगी, लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो और गामा बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी क्या होती है, अच्छी ही होती है। उसके बाद एक पॉइंट फोर्थ पॉइंट ये लिखा है कि जो कंप्रेशन रेशियो की हमारे पास जो वैल्यूज है उसको ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास आती है भी ऑटो साइकिल इंजन, तो ऑटो साइकिल इंजन के लिए क्या है हमारे पास जो फ्यूल होता है वो होता है एयर फ्यूल मिक्सर होता है, क्या होता है एयर फ्यूल मिक्सर होता है, ठीक है एयर और पेट्रोल, ठीक। तो जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है 8 से 12 होता है, और कहाँ यूज करते हैं बाइक या स्कूटर।
उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है आपका, फिफ्थ पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो है कि अगर क्या है मैक्सिमम प्रेशर है या पीक प्रेशर अगर सेम होता है तो डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, हायर होती है किससे, फ्यूल साइकिल से। तो अभी हमने देखा उसको कैसे प्रूफ किया। उसके बाद आप सिक्स पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि डीजल साइकिल के लिए जो आर की वैल्यू है वो 16 से 20 होती है, या 22 भी देख लेते हो कभी कभी, और डुअल के लिए क्या होती है वो 12 से 16 होती है। सेवन पॉइंट डिफरेंस क्या है कि जो डीजल साइकिल इंजन के लिए जो साउंड पोल्यूशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, हाई रहता है। इसके लिए डीजल के लिए हाई रहता है इसके कंपेयर में, और क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। कंप्रेशन रेशियो हाई होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, मतलब नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, आजकल जो डीजल इंजन है उसको आपने क्या रिप्लेस कर दिया है, डुअल साइकिल से रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, एट पॉइंट आता है, वो ये है कि अगर डुअल साइकिल इंजन की बात करें तो डुअल साइकिल इंजन की जो स्ट्रोक लेंथ होती है डीजल इंजन के कंपेयर में वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो स्ट्रोक लेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है किसके कंपेयर में, डीजल के कंपेयर में। ये क्या होता है, जो साइज होता है डुअल साइकिल का, ठीक है, डीजल के कंपेयर में क्या होता है, छोटा होता है। साइज होता है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा सा होता है। तो इसलिए क्या होता है, छोटी गाड़ियों में हम इसको इजिली लगा सकते हैं, तो इसलिए क्या है, इसका ये भी एडवांटेज है। और जो नाइन्थ पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि डुअल इंजन की जो डुअल साइकिल होती है उसकी मेंटेनेंस करना आसान होता है, और जो कॉस्ट एसोसिएटेड होती है वो भी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट है, छोटे मोटे पॉइंट से आपकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए आप इसको एक बार स्टडी कर लेना। उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखा है, तो इस नोट पॉइंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो खत्म करेंगे इस लेक्चर को, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि और पढ़ाऊंगा लेकिन ये लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको कोई बात नहीं, कल कवर कर लेंगे, टाइम हमारे पास सफिशियंट है। तो एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन और जो कंप्रेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, एडियाबेटिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो इक्वेशन होती है वर्क डन की वो क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि जो ऑटो साइकिल है यही क्या है, एक एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल है। जो ऑटो साइकिल है वो कैसी है, एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल। उसके बाद देखते हैं इंटरनल रिवर्सिबल साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरनल रिवर्सिबल साइकिल के बारे में बात करूं तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन कैसा होता है, एडियाबेटिक होता है, वो हमने इसमें देखा, एक्सटर्नली में देखा। फिर हमने देखा जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है वो किसमें होता है, वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। इनपुट क्या है आपके पास, हीट एडिशन, और जो आउटपुट है वो क्या है आपके पास, वर्क डन जो मिल रहा है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो की इक्वल होगी, और इंटरनल एनर्जी जीरो तो एम सी बी डी टी जीरो, तो डी टी इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है, टेम्परेचर आपके पास क्या हो गया, सेम होता है। तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है, और सिर्फ कार्नोट साइकिल ही क्या है आपके पास, कार्नोट साइकिल ही क्या है, रिवर्सिबल साइकिल होती है। कार्नोट साइकिल क्या होती है, रिवर्सिबल साइकिल होती है, और ऑटो साइकिल जो होती है वो क्या होती है, इररिवर्सिबल साइकिल होती है, क्योंकि ये क्या होती है, इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल नहीं है, क्या नहीं है, ये एक इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल नहीं है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, तो कल हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जो वर्किंग होती है फोर स्ट्रोक इंजन की देखेंगे, फिर हम देखेंगे टू स्ट्रोक इंजन किस तरीके से वर्क करता है, फिर हम लोग देखेंगे इग्निशन के बारे में जानेंगे किस तरीके से इग्निशन होता है, फिर इनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है, कोई बात नहीं है, आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1.5 घंटे से ऊपर कोई लेक्चर जाए हमारा, वो थोड़ा सा फिर ज़्यादा खिंच जाता है, तो 1.5 घंटे का फिर हो नहीं पाता। तो चलो मिलते हैं हम लोग 10:30 बजे, अब तो 10:30 बजे हम लोग मीट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और आज आरएसी का हमारा जो प्रैक्टिस का है, जो भी आपका जेई लेवल के एग्जाम में अब तक पूछे हुए हैं वो डिस्कस हो जाएंगे, तो आरएसी भी आज की हो जाएगी, क्वेश्चन के साथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो 10:30 बजे मिलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज़, आप शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, और ना ही आप लाइक करते हो, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, चाहे आपको पसंद नहीं है या फिर आप देख भी रहे हो और आपको पसंद भी नहीं आ रही चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता है, आपको मतलब हर एक को प्रेज करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो प्लीज़ उसको प्रेज जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि उसको एक अंदर से एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है कि हाँ वो एक अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सारी चीज़ें, उसके लिए मैं मेहनत भी करता हूँ, PPT बनानी, ठीक है, PDF बनानी, लेक्चर प्रिपेयर करना, क्वेश्चंस को कट करके लेके आना, तो काफ़ी काम होता है चीज़ों करने के लिए, है ना, तो काफ़ी टाइम मैं अगर डिवोट कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी प्लीज़
थोड़ा डिवोट कीजिए, थोड़ी सी हेल्प कीजिए हमारी भी, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और उन लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, जो वाकई में चीज़ों को सीखना चाहते हैं। और देखो यहाँ पे कोई भी फीस वगैरह कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ मैं, और मैं पूरा दावा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने हुए हो, ठीक है, आप बस नवंबर तक टिक जाइए मेरे साथ, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहिए, तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन होगा, एक अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन होगा, जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, तब आप कहोगे कि हाँ सर बाकी में जो आपने कहा था वैसे ही है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन तो होना जरूरी है, ठीक है, बिना डिसिप्लिन के बात बनेगा नहीं। वैसे लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑफलाइन में तो क्या होता है एक डिसिप्लिन बन जाता है, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर टाइम पे आते हैं क्लासरूम में, क्लास को अटेंड करते हैं, फिर प्रॉपर टाइम में चले जाते हैं। तो कम से कम क्लासरूम में जब तक आ रहे हैं तब तक तो हम अटेंटिव रहते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग अटेंटिव भले ही घर पे जाके उतने नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन क्या है कि इसी बहाने क्या होती है आपकी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आप इसको एक तरीके से क्लासरूम की तरह फील कीजिए, कि जो लाइव क्लासेस ली जा रही है क्या है आपके लिए क्लासरूम का टाइम है, कि 8:30 बजे हमारी सुबह 8:30 से 10 बजे के अंदर अंदर क्या होती है हमारे पास, पहले रीजनिंग की उसकी क्वेश्चन की क्लास होती है, थ्योरी कराते हैं सर उसमें, उसके बाद 10:30 आधे घंटे का गैप मिलता है आपको, फिर 10:30 से हमारे पास आधे घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होता है, ठीक है, जो आधे घंटे और 45 मिनट के बीच में खत्म हो जाता है, फिर हम 12 बजे क्या करते हैं रीजनिंग क्लास करते हैं। तो अगर आपने लंच से पहले पहले सुबह इतना काम कर लिया तो आप कहोगे, आप समझोगे कि हाँ चीजें कुछ चल रही हैं, कुछ हो रही हैं आपके साथ, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके लेवल पे भी क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट मिलता रहेगा। तो बस थोड़ा सा चीजों को डिसिप्लिन में रखिए, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, ताकि थोड़ा सा घूम लीजिए, थोड़ा वार्म अप हो जाइए, ताकि थोड़ा सा आपका माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश रहे, ठीक है। आपका अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे हो तो आपके घर की जो छत है वहां चले जाइए, थोड़ी देर टहलिए, आंख बंद कीजिए, छोटा मोटा योगा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब क्या है कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन, तो दोनों चीजों पे ध्यान रखिए और शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं 10:30 बजे, तब तक के लिए थैंक यू।